हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है, एग्ज़ाम डेट आ गया है। जो बच्चे 2023 में क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। तो वीडियो को इंड तक देखिएगा, सारा अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि आपका कौन सा पेपर कब होने वाला है। वीडियो में दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं और क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। पेपर स्टार्ट कब से देखिए, सारा डिटेल देख दिखाता हूँ मैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए आता हूँ वीडियोज़ के ऊपर। पेपर स्टार्ट है 16 फरवरी से, जस्ट मतलब कि आज हो गया आपका 10 फरवरी, तो सॉरी आज 10 जनवरी है, तो अबाउट 1 मंथ के अबाउट और बचा हुआ है। तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और पेपर की तैयारी करते रहिएगा। चलिए क्या है, 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। पहले हाई स्कूल का जो डेट शीट क्या है, हिंदी है, प्रारंभिक हिंदी, और जो विज्ञान और जो इंटर का पेपर है उसमें सैन्य विज्ञान है, राइट। चलिए नेक्स्ट शुक्रवार का पेपर है, हर एक 2 सेट में पेपर पढ़ने वाला है। शुक्रवार के जैसा कि 16 फरवरी को 8 से 11 है और फिर 2 से 15 है ना। तो इस तरह का दे सकते हैं शेड्यूल, यानी पेपर जो होने वाला है 2 शिफ्ट में होने वाला है। देखिएगा आपको ध्यान से, शुक्रवार का पेपर फिर कोई लैंग्वेज है, पाली, अरबी और फारसी, और फिर सेकंड शिफ्ट वाले में जो है शाम के पेपर संगीत गायन होने वाला है। ऐसे ही इंटरमीडिएट वाले में है, पहले 16 फरवरी को 2 पेपर हो गए विज्ञान का और हिंदी का, और फिर 17 फरवरी को फिर देख रहे हो आप लोग, जब लीजिएगा स्क्रीन शॉट। फिर तो 20 फरवरी को मॉर्निंग स्टेशन में होगा, गृह विज्ञान होगा जो बालिकाओं के लिए है, 10th में, और 12th में लेखा शास्त्र का पेपर है। और फिर सोमवार को ही मतलब कि सेकंड सिटिंग में 12th का पेपर भूगोल का भी है। फिर 21 तारीख में देखा जाए गणित का पेपर रखा गया है, पहली पाली में और दूसरी पाली में कंप्यूटर का, क्लास 10th के लिए है। और क्लास 12th के लिए देख पा रहे होंगे कल एवं खाद्य संरक्षण है, परिधान, धुलाई एवं रंगाई, जो ऑप्शन में रहा है उस तरह का पेपर है ये, ठीक है। फिर 22 फरवरी का पेपर क्या है, संस्कृत है और संगीत वादन है 10th के लिए, और 12th के लिए चित्रकला है, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु जो है उसकी लैंग्वेज वो है। और फिर आता हूँ मैं अब नेक्स्ट, ये मैंने बता ही दिया आपको। सोलह से 22 हो गया, 23 तारीख में क्या है, 23 तारीख में वाणिज्य और सिलाई है क्लास 10th का, और 12th का क्या है, पाली, अरबी, फारसी और कंप्यूटर है ना। अब देख सकते हैं यहाँ 2 सेटिंग में लिखा हुआ है, आप सेटिंग पढ़ लीजिएगा, इसका लीजिएगा स्क्रीन शॉट आप लोग। 24 फरवरी में कृषि है, और फिर सेकंड सेटिंग में मानव विज्ञान, रिटेल वगैरह है, और 12th का फर्स्ट सेटिंग में नहीं है, सेकंड सेटिंग में अंग्रेजी है। शनिवार को 25 फरवरी है, उसमें पहला वाला में क्लास 10th का जो पहली पाली में चित्रकला है और रंजन कला है, और सेकंड सेटिंग में कुछ भी नहीं है। और फिर 12th का पेपर देखा जाए तो फर्स्ट सेटिंग में मानव विज्ञान है और सेकंड सेटिंग में मानव विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्कशास्त्र है। नेक्स्ट है 27 फरवरी को, आप देख पा रहे होंगे सब क्लास 10th प्रथम पाली में विज्ञान है, सेकंड पाली में कुछ भी नहीं है, इंटर वाले में NCC है और जीव विज्ञान और गणित सेकेंड पाली में है। 29 फरवरी देख पा रहे होंगे आप लोग 10th का कोई पेपर नहीं है, और जो क्या बोलते हैं 12th का जो पेपर है फल का जो ऑप्शनल पेपर उनका वो है, और जो सेकंड पाली में नागरिक शास्त्र है। 1 मार्च को क्लास 10th का पेपर अंग्रेजी है, सेकंड सेटिंग कुछ भी नहीं है, और क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट पाली में कुछ भी नहीं है 1 मार्च को, और 1 मार्च को सेकंड पाली में क्लास 12th का अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान रखा गया है। फिर 2 मार्च को प्रथम पाली क्लास 10th का गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मलयालम जो लैंग्वेज है वो है, और जो प्रथम पाली क्लास 12th में आप देख पा रहे होंगे ऑप्शनल टाइप का है, जो आप देख सकते हैं जो आपका होगा वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। क्लास 10th सेकंड पाली में कुछ भी नहीं है, क्लास 12th सेकंड पाली में इतिहास है। 3 मार्च को फर्स्ट पाली क्लास 10th सामाजिक विज्ञान है, सेकंड पाली कुछ भी नहीं है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। 4 मार्च को कुछ भी नहीं क्लास 10th का पेपर में, क्लास 12th वाले में फर्स्ट पाली में लैंग्वेज वगैरह है और सेकंड पाली में उनका रसायन
विज्ञान दिया गया है। आई होप आपने आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी मेरी आप मैं पूरी मदद करूँगा आपकी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन।